वेलकम इन गुड टाइम्स। आज बादाम मिल्क की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बादाम मिल्क बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 8-10 बादाम मैंने सोख करके ग्राइंड कर लिया है, मिक्सी में पीस लिया है अच्छे से। कस्टर्ड पाउडर मैंने 1.5 चम्मच लिया है, इसको मिल्क ठंडे मिल्क के साथ इसकी घोल बनाएंगे। 3 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है, चीनी जो कि हल्की मिठास के लिए ज़रूरी होगा। 500 लीटर मैंने मिल्क लिया है दूध। 1 उबाल आने के बाद फिर इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है। चीनी घुल जाएगा फिर इसमें हम पिसे हुए बादाम, काजू और पिस्ता उसको डालेंगे। अब लगभग डालने का समय आ चुका है। अब हम डाल रहे हैं जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया था, बादाम 8-10, 4-5 काजू, 4-5 पिस्ता, उसको अच्छे से ग्राइंड किया था और अभी डाल दिया। अब 2-3 मिनट बाद इसमें हम कस्टर्ड पाउडर के जो घोल मैंने बनाए थे 1.5 चम्मच डाला था वो ऐड कर दिया। इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है क्योंकि ये मिल्क फॉर्म में ही रहना होता है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर रहेगा और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है इसे। ये बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और हेल्दी भी है। अब 4-5 कुटे भी इलायची को मैंने डाल दिया, इसे केसर भी डाल सकते हैं। अब ये लगभग बिल्कुल तैयार है, इसको एक दो उबाल आने पे इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही हम पकाएंगे, हमें ज़्यादा तेज नहीं करना है, नहीं तो फिर कस्टर्ड बिल्कुल जो डाला है वो गांठ उसमें पड़ जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे कुछ देर के लिए। अब फ्रिज से मैंने निकाल लिया है, बिल्कुल चिल्ड है, इसको मैं सर्व कर रही हूँ। सर्विंग ग्लास में मैंने अब इसको निकाला है। और अब इसमें गार्निशिंग करूंगी, थोड़े से काजू हैं और पिस्ता। बिल्कुल तैयार हो चुका है, हेल्दी ड्रिंक है ये और गर्मी के दिन में बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा पीने में लगता है। बादाम मिल्क तैयार हुआ।